अकेले मतलब 4v2 सिचुएशन था फॉर एटीजी ब्रॉलर्स, बट उधर नेपाली बोटी ने 2v4 में तीन बंदे को नॉकआउट कर चुका था एंड नोवा केन का भी लिटरली 50 एचपी कर दिया, तो ये बहुत अच्छा खेला उन लोगों ने। ओआर मफी ने उधर फिनेटिक ओएस को पिकअप कर चुका है एंड 8 बीट का ये पोजीशन बहुत ही प्यारा है। ट्रांस ने उधर दलजीत को पिक कर चुका है एंड एश ने वो किल चोरी कर चुका था, ओआर से दलजीत भी डाउन हो चुका है, तो सिर्फ 8 बीट इस पोजीशन में सबसे प्यारा पोजीशन पे है। स्लेयर उधर पानी के नीचे है तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी टीम के लिए पोजीशन ले सकता है। ट्रांस ने ऊपर से ओआर एंटो को भी नॉकआउट कर चुका, स्नैक्स एंड ट्रांस और टीम आईनी से वो लोग फाइट लेंगे, लेकिन जो एक और बंदा है स्लेयर वो सिर्फ पोजीशन के लिए खेलेंगे उस पोजीशन में। 8 बीट का टीम सेंटर ऑफ द जोन है, टीम नंबर 8 दैट इज ओआर वो जोन के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। एंटो उधर ब्लीड आउट हो चुका है क्योंकि मफी को उधर क्लियर आउट करते हुए 8 बीट अक्षय है, तो इधर 8 बीट जो इतना खराब पोजीशन पे था आईएनडी के हाथ पे, वहां से उन लोगों ने जो रिकवरी किया ये चिकन डिनर ऑलमोस्ट 8 बीट का हो सकता है। नोवा इधर प्रतोष को पिकअप कर चुका एंड ईटीजी ब्रॉलर्स अभी भी चारों बंदे बचे हैं, एश यहां पर डाउन एंड इसी के साथ फेनेटिक यहां पे खत्म हो चुकी है। नोवा किंग के चार प्लेयर बचे हुए हैं। ऑन द रैंपेज हम देख रहे हैं 8 बीट ट्रिलो को 8 बीट सेंटर में, तो अगर दो टीम यहां पे रश कर दे 8 बीट के लिए दिक्कत हो सकती है। मुझे लगता है ये मैच 8 बीट के हाथ में जाना है, बस इनको दो प्लेयर नॉकआउट करने मतलब फिनिश करने स्लेयर और स्नैक्स, तो 8 बीट के लिए क्या होता है देखना पड़ेगा। इनके बाद में जब ईटीजी इनके ऊपर रश करती है तो ईटीजी पीछे से आ रही है, सामने आपके टीम आईएनडी है जिनके दो प्लेयर हैं, तो कहीं ना कहीं तक ये 4v4v2 हो रहा है, तो सबसे अच्छी पोजीशन में 8bt है। अगर ईटीजी यहां पे रश करती है तो इसका फायदा मुझे लगता है टीम आईएनडी उठा सकती है। इधर सिर्फ आईएनडी से स्नैक्स जो है वो ब्रिज के ऊपर है जो स्प्रे कर सकता है, स्लेयर जो है वो पानी के अंदर है वो वहां से कुछ डैमेज नहीं दे सकता, लेकिन उसको जोन के अंदर आना चाहिए। ईटीजी ब्रॉलर्स फ्रोस्ट को उधर स्नैक्स ने लेटे लेटे या बैठ गया ये बैठ के उधर एक नॉकआउट कर चुका फ्रोस्ट को, ये नॉक पिकअप कर सकता है कि नहीं, एक और क्लच को डैमेज देने की कोशिश, क्लच को डिस्पोजिशन से पूरा ओपन में है स्नैक्स के लेकिन बच गया। अभी स्नैक्स को जोन के अंदर जाना है, स्लेयर ऑलरेडी जोन के अंदर चला गया। अगर स्लेयर को हम लोग देखेंगे तो यहां पर स्लेयर 8 बीट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकता है। स्लेयर ने ब्रेक नेट को करने की कोशिश, इस नेट से शायद नॉकआउट हो जाए, नेट किया है उसने लेकिन उसके पहले यहां पर त्रिलोक को उधर नॉकआउट कर चुका है। ईटीजी ब्रॉलर से फोर्स उधर ब्लीड आउट हो चुका है, नेट होने से पहले उसको नॉकआउट कर देगा। यहां पर नोवा किंग बचे अपनी टीम से लास्ट मैच सोलो बनता है, 8 बीट अभी बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा कर रहा है ईटीजी ब्रॉलर्स के ऊपर एंड पीछे टीम आईएनडी स्नैक्स कैसे भी करके जोन के अंदर आ चुका है एंड उसके ऊपर पुश होते हुए टीम 8 बीट का स्नैक्स को इधर क्लियर आउट करता है, क्योंकि 8 बीट को पता है कि उन लोगों का सबसे ज्यादा मुश्किल पॉइंट है वो है पीछे से, दैट इज स्नैक्स, उसको पहले क्लियर किया एंड ईटीजी ब्रॉलर्स से उधर दो बंदे को नॉकआउट कर चुका था। त्रिलोक पुश करते हुए ओपन से ईटीजी ब्रॉलर्स आइकॉनिक कवर पर देख सकते हैं, इधर त्रिलोक नॉकआउट हो चुका है, अक्षय उधर बचे स्वॉनिंग है पर नॉकआउट हो सकता है, अक्षय स्वॉनिंग बचे 3 बीट सिचुएशन जो था अभी 2v2 सिचुएशन में आ चुका है, लास्ट पूरा डैमेज पड़ रहा है। 8 बीट का होता चिकन डिनर, जी जो टीम 8 बीट बहुत ही प्यारा खेल इस पोजिशन में, लाइक वो जो बचा आईएनडी से उसके बाद जो पोजिशन में सबसे प्यारा डिसीजन जो लगा मेरा 8 बीट का वो था टीम आईएनडी को पहले फिनिश।